आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को जमानत मिल गई है, तो लगातार जो खबरें आ रही थी कि आज उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस मामले में पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि पिछले 100 दिनों से ज़्यादा से हिरासत में पी चिदंबरम है, अब उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। तो आईएनएक्स मीडिया मामले में फंसे पी चिदंबरम पिछले 100 दिनों से हिरासत में है। तो हमारे साथ भुवन शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भुवन, सुबह से ये खबरें आ रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को देगी कि पी चिदंबरम को जमानत मिलेगी या नहीं, लेकिन अब जो 100 दिनों से हिरासत में थे पी चिदंबरम, उन्हें जमानत मिल गई है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया है? पी चिदंबरम का जो पूरा मामला है वो आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर ईडी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ईडी ने कई सारे तथ्यों के होने की बात कहकर ही जो है उनको रिमांड पर लिया था और उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद तिहाड़ जेल में उनको रखा गया, जिसके बाद लगातार पी चिदंबरम की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी उनको पहली जो राहत होती है जमानत की, वो मिल सके, किसी तरह से वो जमानत पर बाहर आ सकें, क्योंकि पी चिदंबरम एक क्रेडिबल चेहरा भी है कांग्रेस के, और ऐसे में कांग्रेस की साख भी कहीं ना कहीं पी चिदंबरम की शख्सियत से जुड़ी हुई है, और ऐसे में ये जरूरी था वो किसी तरह से जो है वो जेल से बाहर आए। और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं और जो कुछ इस वक्त देश में माहौल है राजनीतिक तौर पर, जो घटनाक्रम घट रहा है, उस पर पी चिदंबरम का होना जरूरी है। वो बतौर थिंक टैंक कांग्रेस के जो है की पहचान से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में एक 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 साख का भी सवाल हो गया था और किसी तरह से एक लड़ाई, एक जद्दोजहद भी थी कि जमानत पर उनको बाहर कैसे लाया जाए। तो हाई कोर्ट से नाउमीदी के बाद जो है एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, और इसीलिए जो है ये याचिका लगाई गई थी जमानत की। और ऐसे में ये कहा जा रहा था शुरुआत से ही आज कि ईडी की जो दलीलें हैं और चिदंबरम की जो दलीलें हैं उसमें से सुप्रीम कोर्ट किसको सही मानता है और पक्ष किसका सुनता है, और ऐसे में चिदंबरम के पक्ष में जो है कहीं ना कहीं ये फैसला जो है वो आया है, उनको आखिरकार राहत जो है वो मिलती नजर आ रही है, उनको जमानत मिल गई है। और एक कांग्रेस के खेमे के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि लगातार आप देख रही थी तनवीर पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं और जो आला कमान है वो खुद उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचा था। अभी रिसेंटली प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की विजिट वहां पर हुई थी, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो गया था। और कोशिशें जो है लगातार की जा रही थी कांग्रेस की, पूरा कांग्रेस जो है एक तरीके से आप कहें कि कांग्रेस की एक पूरी लाइन जो है वो पूरे सपोर्ट में थी पी चिदंबरम की, और पूरी यहाँ कोशिश सारी ताकत झोंकने का काम जो है कानूनी तौर पर भी कांग्रेस ने कर दिया था। तो ऐसे में ये उम्मीद थी कि आज वो जमानत उनको आज मिल सकती है, उनके फेवर में फैसला आ सकता है, और वो आया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भुवन तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें 2 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है, और लगातार आईएनएक्स मीडिया केस में फंसे हुए थे पी चिदंबरम, 100 दिनों से ज़्यादा से वो जेल में थे, तिहाड़ जेल में कैद थे, और अब उन्हें जमानत मिल गई है।